नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। देश की सेना बॉर्डर पर तैनात है, इसीलिए हम और आप चैन की नींद सो पाते हैं। चीन के साथ क्या हो रहा है पूरी दुनिया को पता है। आए दिन पाकिस्तानी आतंकवादियों से लड़ते हुए हमारे कई जवान शहीद हो रहे हैं। सारा देश भारत के जांबाजों के साथ खड़ा है, लेकिन एकता कपूर को क्या हो गया है? इतनी काहे बौर आ गई है ये मैडम। अश्लीलता और फूहड़ता दिखाने के चक्कर में मैडम ये तक भूल गई कि वो सेना का अपमान कर रही हैं, सैनिकों की पत्नियों के चरित्र पर सवाल खड़ा कर रही हैं। वैसे घटिया अश्लील फिल्में और वेब सीरीज़ बनाने का काफ़ी शौक है मोहतरमा को। ट्रिपल एक्स तो टर्म ही पॉर्न फिल्म्स के लिए इस्तेमाल होती है, पर इस मैडम ने ऑल्ट बालाजी पर इस नाम से एक वेब सीरीज़ उतार दी और सेना की गरिमा और मान सम्मान पर बट्टा लगा दिया। पर समझ नहीं आता है मैडम का फ्रस्ट्रेशन, काहे अश्लीलता परोसने के चक्कर में रहती हैं। लगता है सास बहू के फैमिली ड्रामा सीरियल बना बनाकर थक गई हैं। अब ट्रिपल एक्स सीरीज बनाकर मोटी कमाई करना चाहती हैं। बताइए, एक जवान जब बॉर्डर पर तैनात होकर देश के प्रति अपनी ड्यूटी निभा रहा होता है, तो उसकी पत्नी उससे दूर रहकर उसके परिवार की देखभाल करते हुए उससे भी बड़े फर्ज को अदा कर रही होती है। लेकिन देश के प्रति इस जज्बे और फौजी की पत्नी के समर्पण और सेक्रीफाइस को ये ड्रामा क्वीन एकता कपूर क्या समझेंगी? उनकी डेडिकेशन, उनके सेक्रीफाइस को ये मोहतरमा कहाँ समझ पाएंगी? अब दिमाग हो इनके पास तब तो कुछ उम्मीद की जाए, वरना सास बहू के रिश्तों तक ही दौड़ सकते हैं इनकी समझ के घोड़े। एकता कपूर ने ट्रिपल एक्स टू अपनी नई वेब सीरीज में इस बार जवानों की पत्नियों को टारगेट किया है, उनके चरित्र पर सवाल उठाए हैं। जी हाँ, ऑल्ट बालाजी ऐप पर एकता कपूर ने ट्रिपल एक्स टू नाम से एक नई सीरीज लॉन्च की है, जिसमें उन्होंने भारतीय फौज के जवानों का सीधे सीधे अपमान किया है। इस वेब सीरीज में दिखाया गया है कि एक जवान जब बॉर्डर पर चला जाता है तो उसकी पत्नी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ अश्लील हरकतें करती है, और इस दौरान वो अपने पति की फौजी वर्दी का अपमान भी करती है। अपमान भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि एकता कपूर ने अश्लीलता और बेशर्मी की सारी हदें लांघ दी है इस वेब सीरीज में। कहना क्या चाहती हैं मैडम? इस तरह की वाहियात वेब सीरीज बनाकर वो साबित क्या करना चाहती हैं? ज़्यादा नहीं तो थोड़ा दिमाग ही इस्तेमाल कर लेती एकता कपूर। खुद भी तो इसी देश में रहती हैं, इसी देश का नमक खाती हैं, फिर इस तरह से भारतीय सेना के जवानों की सबसे गौरवशाली पहचान उनकी वर्दी पर कीचड़ कैसे उछाल सकती है? इसी वजह से एकता कपूर फौजियों की पत्नियों के निशाने पर भी आ गई हैं। आकांक्षा ने ट्विटर पर लिखा है, एज एन आर्मी वाइफ आई वोंट टॉलरेट दिस काइंड ऑफ शिट। व्हाट एकता कपूर ट्राइंग टू से? डज शी वॉन्ट टू से दैट आर्मी वाइफ हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बिहाइंड हर हस्बैंड हु इज वर्किंग डे एंड नाइट टू सेफ गार्ड अस? अनबियरेबल, प्लीज टेक एन एक्शन। ट्विटर पर हैशटैग ऑल्ट बालाजी इंसल्ट्स इंडियन आर्मी के साथ एकता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है। दरअसल बड़ी फेक दुनिया में रहते हैं ये सारे सीरियल वाले लोग। इनकी बिरादरी को लगता है कि ये मनोरंजन के नाम पर जो भी चाहे वो दिखा सकते हैं, दर्शकों के सामने कुछ भी परोस सकते हैं, और कोई इन पर उंगली तक नहीं उठाएगा। आजकल इन नेट चैनल्स पर अजब सा ट्रेंड चल पड़ा है, और जब इस तरह के सीरियल और वेब सीरीज बनाने वालों पर कोई उंगली उठाता है तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर ये पूरी जमात लामबंद हो जाती है, छाती पीट पीट कर असहिष्णुता का राग अलापने लगते हैं। वैसे बताइए ज़रा, इस दो टके की सीरियल निर्माता और उस टुकड़े टुकड़े गैंग की सोच में क्या फ़र्क है? वो टुकड़े टुकड़े गैंग भी तो हमारी सेना का अपमान ही करता आया है। कश्मीर का नाम याद आते ही मिर्ची लग जाती है इस पूरे गैंग को। याद है ना, इसी फेक सेकुलर और लिबरल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले वामपंथी कन्हैया कुमार ने तो कहा था इंडियन आर्मी रेपिस्ट है, और कश्मीर में तैनात सेना के जवान कश्मीरी महिलाओं का बलात्कार करते हैं, और पूरा टुकड़े टुकड़े गैंग इसी देशद्रोही कन्हैया कुमार को हीरो बनाए फिरता है। अब बताइए क्या फ़र्क हुआ दोनों के कहने और करने में? देश विदेश के अखबारों और मैगजीन में चंद डॉलर्स के लिए सब फेक स्टोरीज मानवाधिकार के नाम पर बेच आते हैं, और एकता कपूर अपने सीरियल के जरिए दुनिया भर में ऐसे ही भारत विरोधी एजेंडे में लगे लोगों को खुश करने के लिए ऊट पटांग वेब सीरीज के नाम पर सेना को बदनाम करने में लगी है। इस वेब सीरीज में उसने जवानों के अपमान के साथ साथ उनके परिवारों को समर्पित पत्नियों के कैरेक्टर पर भी सवाल उठाए हैं। क्या कहना चाहती है एकता के जवान जब सीमा पर तैनात होते हैं तो घर पर उनकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड बनाए फिरती हैं? शर्म आनी चाहिए एकता कपूर को ऐसी ओछी और घटिया सोच पर।
खैर, इनकी इस करतूत पर बिग बॉस फेम हिंदुस्तानी भाव ने इनके खिलाफ मुंबई पुलिस में एक शिकायत भी दर्ज करवाई है। इस शिकायत में भाव ने आरोप लगाया है कि इस वेब सीरीज के जरिए एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर ने भारतीय जवानों की छवि को नुकसान पहुंचाया है, उनका अपमान किया है। अपने ट्वीट में हिंदुस्तानी भाव ने लिखा है, ऐसा मजाक उड़ाया है हमारी इंडियन आर्मी का, अब ये नया हिंदुस्तान है, एकता कपूर और शोभा कपूर को जल्द से जल्द अरेस्ट करो। हिंदुस्तानी भाव की इस शिकायत पर मुंबई पुलिस का रवैया जो भी रहे, लेकिन सेना के खिलाफ इस तरह का जहर उगलने वालों को कतई बख्शा नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, एक तरफ इस वक्त हमारी सेना अरुणाचल में भारत चीन बॉर्डर पर चीनी सैनिकों का बहादुरी से सामना कर रही है, वहाँ हालात बेहद तनावपूर्ण है, लेकिन यही सेना वहाँ के तनाव की आंच से देशवासियों को बचाए हुए है। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर घाटी में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवादियों का सफाया भी हमारे यही सेना के जवान कर रहे हैं। हर रोज कश्मीर से हमारे जवानों की शहादत की खबरें आ रही हैं, और तो और पाकिस्तान के घर में घुसकर भी हमारे इन्हीं जांबाज जवानों ने आतंकवादियों के कैंप तबाह कर दिए थे। ये वो शूरवीर हैं जिनकी बदौलत हम सब चैन की जिंदगी जी रहे हैं, आराम से रात को अपने परिवार के साथ रहते हैं। हमारे ये जवान पाकिस्तान और चीन से लगती हमारी सीमा पर जिस तरह के मुश्किल हालात में रहते हैं ना, उसकी अपने एसी से सजे बंगले में रहने वाली एकता कपूर कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। अगर फौज पर कोई वेब सीरीज बनानी है तो जवानों की दिलेरी, उनके शौर्य और गौरव पर बनाए ना, उसकी तो कई कहानी इन मैडम को मिल भी जाएंगी। लेकिन पैसों के लिए ही एकता कपूर देश की सेवा में लगे जवानों के नाम को बदनाम करने में लगी है। वैसे एकता कपूर को तो हर चीज़ में एक सीरियल की कहानी नज़र आती है। सास बहू की लड़ाई के तो सारे एंगल ही अब तक भुना चुकी हैं, अब कोई नया एंगल बचा ही नहीं है इनके पास, तो ये बेचारे भी क्या करें। वैसे भी आजकल टीवी इंडस्ट्री में बड़ी मारकाट मची हुई है, विषय और कहानियों की मारामारी। तभी तो एकता कपूर के सीरियल में ना हीरो मरता है ना इनकी वाहियात कहानियाँ कभी ख़त्म होती हैं, हीरो मर भी जाए तो कई कई बार जिंदा हो जाता है। ऐसी कहानियों पर सीरियल बनाने वाली एकता को सांप और नागिन के विषय पर ही सीरियल बनाने चाहिए। कलाकारों का शोषण करने की भी कई कहानियां इनके साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन इस बार इस ड्रामा क्वीन के साथ खुद ड्रामा हो चुका है। तरह तरह की कहानियां पर्दे पर दिखाने का उनका ये शौक इस बार उन्हें महंगा पड़ गया है। ऑल्ट बालाजी ऐप भी इन्हीं का ही है, और नेट के जरिए चल रहे इस तरह के चैनल्स का दायरा बहुत बड़ा होता है, तो जितने ज़्यादा लोग इनके ऐप को डाउनलोड करेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा एकता कपूर और शोभा कपूर को होगा। वो भी जानती हैं कि इस तरह की फुहड़ता और अश्लीलता को नेट चैनल्स पर दिखाने से कोई उन्हें नहीं रोक सकता, इसीलिए अति उत्साह में मोहतरमा ने ये हिमाकत कर दी है। हालांकि विवादों में रहना इनकी पुरानी फितरत है, और ट्रिपल एक्स के पहले सीजन में भी एकता कपूर काफ़ी चर्चा में रही थी। दरअसल इस वेब सीरीज से पहले एकता कपूर डायरेक्टर के एन घोष के साथ ट्रिपल एक्स नाम से एक फिल्म बना रही थी। इस फिल्म में छोटी छोटी 6 कहानियों को दिखाने का प्लान था। फिल्म के फर्स्ट लुक का पोस्टर भी जारी कर दिया गया था, और पोस्टर की टैगलाइन थी, वैलेंटाइन छोड़ अब सिर्फ पलंग तोड़। इस पर उस वक्त जमकर हंगामा भी हुआ था। ऐसे में एकता कपूर ने ये सोच कर कि कहीं बाद में एक्टर यू टर्न ना ले ले, फिल्म के कलाकारों के साथ न्यूडिटी क्लॉज भी साइन किया था। इस क्लॉज में शामिल शर्तों के मुताबिक फिल्म में काम करने वाला कोई भी कलाकार कहानी की मांग के हिसाब से लव मेकिंग सीन्स और एक्सपोज भी करेगा। हालांकि फिल्म की सेंसरशिप को लेकर हुए विवाद के बाद एकता कपूर की ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई थी, लेकिन एकता ने इस फिल्म को वेब सीरीज के तौर पर अपने ही ऑल्ट बालाजी पर चला दिया, जहां इस तरह की वाहियात कहानियों को बेरोक टोक आसानी से परोसा जा सकता है। अभी 222 के नाम से नया सीजन शुरू किया गया है, जो एकता कपूर के गले की फांस बन चुका है, क्योंकि लोग इस ओछी हरकत से नाराज हैं। कला की आड़ में अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर यह छूट नहीं दी जा सकती है कि आप देश के सैनिकों का अपमान करें। एकता कपूर जैसे अनपढ़ प्रोड्यूसर्स को ये बात भी समझ में नहीं आती है कि इस तरह की झूठी कहानियों को समाज में परोसकर इन्होंने सारे आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ्स के चरित्र पर सवाल खड़ा करने की कोशिश की है। वैसे ये एक फिक्शन है, काल्पनिक कहानी है, लेकिन एकता कपूर की पूरी हकीकत अगर सामने आ जाए तो ये अपना चेहरा छिपाने लायक भी नहीं बचेंगी। हम उस स्तर पर या रास्ते पर चलकर एकता को जलील नहीं करना चाहते। उसने जो गलती की है उसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए, क्योंकि देश में एक आदत सी बनती जा रही है कि हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा भारत के इतिहास, हिंदू संस्कृति, सनातन प्रतीक चिन्हों के बारे में बकवास करने लगा है, और अब ये लोगों की बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। इसीलिए इन जैसे कला के नाम पर धब्बा बनते जा रहे लोगों को रोकना जरूरी हो गया है।
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।